हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और उसके आगे बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन वीडियोस के आ सके। दूसरा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो के नीचे बने इस लाल बटन को दबाकर और उसके आगे बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हेलो गाइस, स्टॉक मार्केट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज है 1 सितंबर और हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक से जुड़ी हुई मार्केट में एक अपडेट अवेलेबल है जिसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। तो देखिएगा, इंडिया रेटिंग ने अभी डाउनग्रेड किया है यस बैंक को और आउटलुक दिया है नेगेटिव का। तो पूरी न्यूज किस तरीके से है जरा उसको समझ लेते हैं। देखिएगा, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने डाउनग्रेड किया है यस बैंक की लॉन्ग टर्म इश्योर रेटिंग को और इसको रेटिंग दी है ए प्लस की। अब ए प्लस रेटिंग के मायने क्या होते हैं जरा उसको भी जरा समझ लेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि यस बैंक की पहले लॉन्ग टर्म इश्योर रेटिंग इन्होंने क्या दी हुई थी। तो देखिएगा, पहले इन्होंने डबल ए माइनस दे रखी थी जो कि देखिएगा डाउनग्रेड करके ए प्लस कर दी गई है। तो पहले जरा समझ लेते हैं कि ये जो डबल ए रेटिंग होती है इंडिया रेटिंग की, वो क्या सिग्निफाइज करती है। देखिएगा, वो सिग्निफाई करती है हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी को। इसका मतलब होता है कि देखिएगा, जितनी भी सर्विसेज हैं फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस के मद्देनजर, यानी कि यस बैंक की जितनी भी वित्तीय दायित्व है वो उसको टाइमली पे कर सकती है, उनको टाइमली सर्विस कर सकती है, यानी कि यह हाईली डिग्री ऑफ सेफ्टी होती है जिसमें देखिएगा बहुत ही लो रिस्क होता है या रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता। इस चीज को आप समझिएगा। वही देखिएगा, अब चूंकि जो इंडिया रेटिंग ने अब ए कर दी है, जिसमें देखिएगा ए प्लस की रेटिंग दी है, उसमें देखिएगा पर्याप्त डिग्री ऑफ सेफ्टी होती है, यानी कि एडुकेट डिग्री ऑफ सेफ्टी। इसमें क्या है देखिएगा, ये एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ सेफ्टी है, यानी कि देखिएगा ये हाई तो नहीं है लेकिन ये अपने आप में इतनी सेफ्टी रखती है कि आप इसको सेफ बोल सकते हो। तो चूंकि इतनी घबराने की बात नहीं है, अगर इन्होंने डाउनग्रेड भी किया है, ए प्लस रेटिंग दे दी है, तो वो अपने आप में पर्याप्त मात्रा की सेफ्टी है जो कि कहीं ना कहीं एश्योर करती है लो क्रेडिट रिस्क को। वहीं देखिएगा, बात करते हैं हमने लॉन्ग टर्म की तो बात कर ली है, वहीं देखिएगा यस बैंक की शॉर्ट टर्म इश्योर रेटिंग की भी बात कर लेते हैं, जिसको इन्होंने A1 प्लस की रेटिंग दी है। अब A1 प्लस की रेटिंग शॉर्ट टर्म में क्या मायने रखती है जरा उसको समझ लेते हैं। तो देखिएगा, ये A1 प्लस जो होती है वो देखिएगा शॉर्ट टर्म में वेरी स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ सेफ्टी होती है रिगार्डिंग टाइमली पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। सच इंस्ट्रूमेंट्स कैरी लोएस्ट क्रेडिट रिस्क, यानी कि देखिएगा ये अपने आप में बहुत ज्यादा सेफ होती है और बहुत ज्यादा आप इसको स्ट्रॉन्ग सेफ बोल सकते हो और देखिएगा इसमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि देखिएगा, बेसिकली जो शॉर्ट टर्म की रेटिंग दी गई है यस बैंक को इंडिया रेटिंग के द्वारा, वो अपने आप में बहुत ज्यादा सेफ है। वहीं देखिएगा, जो लॉन्ग टर्म की रेटिंग दी गई है यस बैंक को, वो इतनी सेफ है कि बस आप उसको सेफ बोल सकते हो और उसमें भी देखिएगा कहीं ना कहीं लोएस्ट क्रेडिट रिस्क है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये इतनी अपने आप में नेगेटिव न्यूज नहीं है। हालांकि मूडीज ने इसको पहले भी डाउनग्रेड किया था, उसके बाद देखिएगा इंडिया रेटिंग ने भी डाउनग्रेड किया है, पर ये अपने आप में इतनी ज्यादा नेगेटिव नहीं है जो इन्होंने रेटिंग दी है, भले से इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है। तो चलिए, फिर इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूं। आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसका जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स का ग्रुप में शेयर करना भूलेगा। चलिए, थैंक यू।